शिशुपतेषदयं हृदयं कुरु मन्दने हरिचरण स्मरणामृत निरमित कलिकलुष ज्वर खण्डने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे निज गाद साज नंदने क्रीडति दयानंदने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे भगवत भक्तों इतना 24 अष्टपदी तो इस अष्टपदी में केवल भगवान की लीला है, ठाकुर जी की लीला है। ये लीला किस लिए है? स्मरण करने के लिए। जयदेव पंडित कहते हैं, हे भगवत भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की ध्यान रूपी अमृत से कलयुगी पाप के नाश। कलयुग में पाप पाप है। कलयुग का पाप माने सबके चित्त में पाप घुस गया। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला में भी बुद्धि लगा देते तो कहते हैं कि तुम्हारा पाप बुद्धि है ना। कलयुगी पाप के नाशक, कल्याणप्रद, अलंकार के समान मनोहर जयदेव कवि द्वारा रचित इस गीत गोविंद की ओर अपने अंतःकरण को लगाए। यदि आप पापी हैं, चिंता मत करो, अंतःकरण को इसमें लगाए। ये मत सोचो कि हम वहां शुद्ध हो जाऊंगा तब गीत गोविंद पढ़ूंगा। जयदेव पंडित कहते हैं कलयुगी पाप घुस गया है अंदर। तो कलयुगी पाप अंदर घुस गया है तो ये जयदेव पंडित रचित ये गीत गोविंद का तुम रोज पाठ करो, तुम्हारा इतना बड़ा आनंद आएगा तो कलयुग अपने आप भाग जाएगा। इतना दिव्य आनंद के पास टिकेगा। लेकिन आधार भगवान का नाम है, नाम छोड़ेगा तो नहीं होगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे। हम लोग ऐसे साधक के लिए बता देते हैं, नाम रटते 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 खूब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम अकित गुरु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे। अंतिम श्लोक पढ़ेंगे गीत गोविंद का अंतिम श्लोक। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। ये जितने 10 परक ग्रंथ है, विलाप उस्मान जी, गीत गोविंद, विद्यापति, चंडीदास, उज्ज्वल नीलमणि, जितने 10 परक ग्रंथ है, तो ये 10 ग्रंथ कथा के लिए नहीं, स्वर्ण कहने के लिए इष्ट गोष्ठी में बैठ करके रसिक महापुरुष लोग, जितने भी रसिक महापुरुष हैं, इस रस का स्वादन गीत गोविंद विद्यापति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। अब देखिए गीत गोविंद इतना लिखने के बाद जयदेव पंडित क्या कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। माधवी जानते हैं? माधवी महुआ देखे, महुआ भी नहीं देखे है ना। इन लोगों को दिखा दीजिए तो महुआ दारू बनाता है, पक्का बात। महुआ इधर भी होता है, महुआ का फल शराब बनता। प्रिया जी के कपोल का उपमान महुआ के फूल से दिया गया। सब अलग अलग हो, महुआ से शराब बनता है पक्का बात। कौन बनाया था शराब? सबसे महंगा होता है शराब महुआ का। गीत गोविंद पढ़ने से अब शराब पीना नहीं पड़ेगा। अरे नशेड़ी,
गीत को जयदेव पंडित कहते हैं, अरे शराब पीने वाला चिंता मत करो, गीत गोविंद आते हैं, अब तुम लोगों को शराब पीने की कोई जरूरत नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये शराब है ना, स्वर्ग में लोग पीते हैं, सब लोग पीते हैं शराब और नशा। हरे कृष्ण, अब कहते हैं जिसको गीत गोविंद नहीं मिला है वही शराब पीता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, माने सबसे बड़ा नशा है गीत गोविंद, इससे बड़ा नशा कोई हो नहीं सकता, जिस नशा को प्राप्त करके सारा नशा फीका होता है। इसीलिए कहते हैं साध्वी माध्वी चिंता न भवति, महुए के बने हुए शराब अब तुम चिंता मत करो, तुझको अब कोई पिएगा नहीं, जब गीत गोविंद प्रकट हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा एक एक चीज का साध्वी मत, फिर कहते हैं शर्करे, शर्करे कहते हैं गन्ना का बना हुआ सबसे उत्कृष्ट होता है मिश्री, खांड होता है, गुड़ होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है मिश्री। तो कहते हैं कि अब मिश्री इस गीत गोविंद के आगे तुम बज्जर हो गया, तुझको कोई पूछेगा नहीं। दुनिया में जितना मिठाई बनता है सब शर्करा से ही तो बनता है, जितने मिठाई है। तो कहते हैं अब गीत गोविंद आ गया, कोई राजभोग रसगुल्ला है सब कहते हैं कोई खाएगा नहीं। शर्करे कर्कश असी, इस गीत गोविंद के आगे तो कर्कश हो गई, बज्जर हो गई, कौन अब गए। फिर कहते हैं द्राक्षे, द्राक्षे जानते हैं दाख, दाख दाख तो सब जानता होगा ना। कहते द्राक्षे के त्वाम द्रक्षते, अब तुझको कौन देखेगा, अब दाख कोई खाएगा नहीं। द्राक्षे के त्वाम द्रक्षन्ति, तुझको अब कोई देखने वाला नहीं। चलिए सब तो एक चीज अमृत है, अमृत जानते हैं ना, इस अमृत के लिए भगवान को तीन तीन बार अवतार लेना पड़ा, मोहिनी बनना पड़ा, कछुआ बनना पड़ा, अजीत बनना पड़ा, सब वो अमृत को कहते हैं कि अमृतम मृतम असी। अब गीत गोविंद के आगे तुम मर गए, अब कोई पिया स्वर्ग के देवताओं को गीत गोविंद नहीं मिलता है, वो नकली अमृत पी करके अपने उम्र को बढ़ाते हैं। महात्मा लोग गीत गोविंद को पढ़ करके प्रिया जी के दिव्य लीला में प्रवेश कर जाते, कौन है बड़ा है। कहते हैं अमृतम मृतम असी, फिर कहते हैं क्षीरम, क्षीर कहते हैं दूध। दुनिया में जितना मिठाई है, जितनी मिठाई है कलाकार में क्या क्या बनता है, वो सब क्षीर से दूध से बनता है। तो कहते हैं क्षीर नीरम रसस्ते, हे दूध अब गीत गोविंद के आगे तुम नीर हो गए, नीर माने पानी हो गया, अब तुझको सबसे बड़ा फल, सबसे अच्छा फल कौन सा है, आम है ना, सबसे अच्छा आम ही होता है ना, मीठा मीठा ताजा, नहीं अधिक पैसे का काम, सभी फलों का राजा, मीठा मीठा ताजा, नहीं अधिक पैसे का काम आम। तो कहते हैं माकंद, माकंद कहते हैं आम, माकंद क्रंद ए मालदा आम, बंगाल का होता है कौन आम, मालदा कौन कौन होता है इधर का, हिमसागर लंगड़ा। कहते हैं कि माँ कंद क्रंद अब तुमको कोई खाएगा नहीं। वास्तव में जो रसिक महापुरुष होते हैं, जो गीत गोविंद पढ़ता है उसका जीव निरह उधर जाता है, गीत गोविंद कांता धर, स्त्री का अधर, स्त्री के लिए कहते हैं अरे कांता धर धरणी तलम गच्छा, अब तो तुम पताल में चले जाओ, तुझको कोई पूछेगा नहीं, जब तक गीत गोविंद रहेगा कोई स्त्री को पूछेगा। कहते हैं कांता धर धरणी तलम गच्छा, जब तक जयदेव रचित गीत गोविंद इस भूमंडल पर रहेगा
तब तक तुम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं। जो महापुरुष इस रस में निमग्न हो गए, जो महापुरुष चाहे श्री हित हरिवंश महाप्रभु हो, चाहे कौन हरिदास जी हो, चाहे कोई भी जितने भी रसिक महापुरुष हो, इस रस को पा गए तो पाने के बाद सारा संसार से विरत। और यदि संसार से विरत है, विरत संसार में है, तो समझना गीत गोविंद पढ़ा एक बार इस रस में आ गए उसके लिए संसार निकाल गया, क्योंकि इससे बड़ा रस तो दुनिया में कुछ है नहीं। यही कहते हैं कि जब तक जयदेव कवि रचित इस गीत गोविंद संसार, कौन इसकी महिमा लिखा जाते हैं जयदेव जी गीत गोविंद लिख करके खुद लिख लिए, इस गीत गोविंद से बढ़कर कोई ग्रंथ कुछ है ही नहीं। इसलिए हे भगवत भक्तों, एक गीत गोविंद उसी के ये पराशर आदि पूर्व कवियों के कंठ में समर्पित है। बड़े बड़े महापुरुष जिस रस को आज तक किसी को पता नहीं था, उस रस को प्रकट करने के लिए साक्षात जगन्नाथ जयदेव रूप में प्रकट हुए, और उन्हीं के कृपा से देखिए रस परक जितना ग्रंथ है उसका आदि ग्रंथ गीत गोविंद, इसके बाद ही सब रस प्रकट हुआ है। इसलिए कहते हैं कि हे भगवत भक्तों, जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक इस गीत गोविंद को अवश्य पाठ करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दो चीज हरे कृष्ण और गीत, हरे कृष्ण महामंत्र और गीत दो चीज है ना, चैतन्य महाप्रभु ये दोनों चीज दी। कलयुग में गौरांग महाप्रभु का अवतार हुआ, कहे कि नाम रटो और गीत गोविंद का पाठ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम। शिक्षाष्टक का अंतिम श्लोक कौन सा है? ये शिक्षाष्टक का जो अंतिम श्लोक है ना, वो गीत गोविंद अश्लिष्य वा कैसे पढ़ू, अश्लिष्य वा इसमें भी प्रलंब और संबोध दोनों है ना। आमी कृष्ण पद राशि से हो कृष्ण सुख राशि अलगिया पर आत्मसा किवा ना दे दर्शन जारे वो तम। हरे कृष्ण हरे, ये दो एक गीत गोविंद में विप्रलंब और संभोग दोनों एक साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। कितना भयंकर विरह, इसके पहले वाला कौन सा श्लोक है, सातवां श्लोक लिखा है ना, क्या लिखा है इस श्लोक के पहले, कितना भयानक विरह है। जगत सर्वं गोविंद विरहेण, गोविंद के बिना यह सारा संसार कैसा दिख रहा है शून्य, तब गीत गोविंद प्रकट होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इसके पहले का क्या है, युगायतम के पहले क्या है,
हरे कृष्ण नैनम गलधारया बदनम गदगद रुदया गिरा कुल पैर निचितम बहु कदा तव नाम नाम न तव ऐसा कब होगा कि आंख से छचर छचर आंसू गिरेगा मुंह से कृष्ण नाम। किसी कबीर बाबा कहे हैं कि मुंह में आंख में लोर और दांत चिपोर, आंख में लोर लोर माने आंसू और दांत चिपोर, मैं ऐसा नाम रोते हरे आंसू गिरने लगे। नाम लेते हुए ठाकुर जी कहां सुनते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 आश्लिष्यवा जुगायितम नैनम गलद्र सुधारे है। और पांचवा वही नंद तुम क्योंकि साधन चार श्लोक साधन भक्ति है और चार श्लोक प्रेमा भक्ति, आठ श्लोक है ना, चार श्लोक प्रेमा भक्ति और चार श्लोक में साधन, चेतो दर्पण साधन है, नामनामकारी साधन और नामनाकारी के बाद क्या है त्रिनादपि और चौथा चार श्लोक तक साधन है। न धनम न जनम न सुंदरी इतना साधन करना है और इसके बाद चार श्लोक में रोना है तड़पना है तब त्याग तब क्या होगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जिंदगी का मजा है बेफिक्र होना ही दोस्त गौर माँ जिंदगी का मजा है बेफिक्र होना ही खुद परस्ती है बेफिक्री मस्त रहना जिंदगी यही गीत हो गई जिंदगी का मजा है सारा चिंता को फेंक बेफिक्र हो जाए अब फिकिर रह करके भजन होता है खुद परस्ती है बेफिक्री बेफिक्र होना ही खुदा की सबसे बड़ी पूजा भगवान की सबसे बड़ी पूजा क्या है बेफिक्र अब फिकिर रह करके यदि कोई भजन करता है तो मस्ती नहीं है। तो श्री गौरांग महाप्रभु चार श्लोक तक फिकिर को फेंक दिए न धनम न जनम न सुंदरी कविता वाम जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे जिंदगी का मजा है बेफिक्र होना ही दोस्त बेफिक फिकिर किसको किसको होता है धन से तो मार रुपये न धन फिर जन बेटा बेटी नाती पोता चेला चेली आश्रम घर द्वार इसको कहते हैं धन महाप्रभु कहे न धनम और न जन्म फिकिर रहेगा ये फिकिर वाला चीज है पैसा रहेगा तो फिकिर रहेगा मरते दम तक पैसा बैंक से निकालना नहीं चाहेगा भले मर जाए कुछ कर लेना लेकिन जब तक जीवित रहेगा पैसा निकालने नहीं होगा इसको कहते हैं फिकिर बैंक में पैसा है ना तो हम देखते हैं मर जाएंगे मर जाएंगे कह दीजिए दो रुपया दे दो ना हम मर जाएंगे तो भले ले लेना जीवित जी तो एक पैसा निकलने नहीं जब तक धन है तब तक कृष्ण प्रेम नहीं इसलिए गौर महाप्रभु चौथा श्लोक है ना धन ना बाप अब ना धन अजन्म जन माने चेला चेली आश्रम मठ मंदिर साधु के लिए गृहस्थ के लिए बेटा बेटी नाती पोता घर मकान हमारा गौर सारा जंजाल थोड़ा है अब ना रे बाप न धनम न जनम और न सुंदरी सुंदरी का अर्थ होता है स्त्री नहीं सुंदरी मानी प्रतिष्ठा
ये सुंदरी प्रतिष्ठा रूपी पिशाचिनी जब तक हृदय में है तब तक ये सुख नहीं मिलेगा। एक महात्मा कहा, जब चैतन्य महाप्रभु लिखे थे ग्रंथ ना और जम गंगा जी में फेंक दिए, तब कहा ये निश्चित भगवान हो सकते, आदमी तो हो नहीं सकते, ऐसा कीर्ति को फेंकने वाला दुनिया में कोई नहीं। महाप्रभु के उस भाष्य पढ़ करके कहे कि अरे इस आगे, इस ग्रंथ के आगे तो अब कोई किसी का भाष्य पड़ेगा नहीं, महाप्रभु तुरंत फेंक। तो जब एक महात्मा सुना है तो जरूर ही भगवान हो, भगवान ही कीर्ति को लात मार सकते, दूसरे को मार नहीं सकता। तो ये साधन भक्ति है, न धनम न जनम न सुंदर। कविता वाम जगदीश का, धन तन धन जन का बंधन छोटा छोटा भोग मोक्ष का रोग, मोक्ष भी रोग है, रोग भी नहीं, यही है मोक्ष। जन्मनी जन्मेश भवतार भक्ति रहित कीर्ति, ये मोक्ष भी एक भयंकर रोग है। ये रोग जब तक रहेगा तब तक प्रियालाल का दिव्य विहार में हम लोगों का प्रवेश नहीं है। इसलिए चार साधन में चैतन्य महाप्रभु, एक महात्मा हमसे कह रहा था कि धनम दे ही जन्म, हमको आश्रम बनाना है भगवान, धन दे दो, जन दे दो, बहुत चिल्ला चली दे दो। चैतन्य महाप्रभु कहते न धनम न जन्म, हम कृष्ण सेवा के लिए हमको धन दे दो, वाह जन दे दो। लेकिन ना महाप्रभु कहे ना महाप्रभु न धनम न जनम न सुंदरी कविता वाम जगदीश का मैं मम जन्मनी जन्मनी। तब क्या तुम मुक्त हो जाएगा, इतना ना हम क्या बार बार जन्म दे। जिस जन्म लेने से संसारिक डरता है, भक्त कहता है ना ना मम जन्मनी जन्मनी, हमको जन्म चाहिए, उस कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमको जन्म चाहिए। जब तक कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, हे भगवान हमको मुक्त मत करना, हमको बार बार जन्म देना, हमको प्रेम चाहिए बस। ये फिकिर है ना, फिकिर को हटाने के लिए है। फिकिर यदि हटेगा नहीं तो भजन नहीं होगा, कोई चिंता रहेगा तो भगवान का भजन नहीं होगा। आंख मूंदेंगे तो मन वहीं जाएगा जहाँ चिंता है। तो चिंता को महाप्रभु चार चीज में बांट दिए, धन जन सुंदरी और कविता, ना चार चीज। हरे कृष्ण 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 प्रेम में ये सब बाधा, धन जन सुंदरी हरे, ये सब ऐसे कहने से नहीं होए, नाम रटने से जाएगा। रो रो करके कहीं नाम लो, हम लोग नाम रटते हमें धन दे दो धन दे दो, धन मिल जाएगा। नाम रटते हमको धन नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे महात्मा मिलेंगे हमको धन नहीं चाहिए। हरे कृष्ण धन संपत्ति हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम। धन कितना दुखदायी है ये गौर महाप्रभु ही जानते हैं, और कोई नहीं। हरे कृष्ण कृष्ण क्यों क्यों जानता है कि कृष्ण प्रेम की यदि इच्छा है तो धन से इच्छा। जब तक कृष्ण प्रेम की इच्छा नहीं रहेगी तब तक धन की प्रति आसक्ति बनी रहेगी। जब प्रेम मिलेगा, प्रेम की इच्छा होगी तो सारा चीज हट जाएगा, फिर प्रभु की कृपा से केवल प्राप्त होगा, केवल कृपा से। तब कहेंगे कृपा कहाँ से मिलेगा, तो कृपा मिल रहा है प्रति क्षण मिल रहा है, हम लोग ले नहीं रहा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम, अनवरत कृपा बरस रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम, लेकिन चाहेगा कैसे बहुत समझता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम, स्त्री बाकी जैसे लगने लगे, धन काल जैसा लगने लगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, हरे राम हरे राम। एक जाएगा गीत गोविंद सिंह जाए, उपाय हृदय रोग मास पहनो त्यचीर्ण धीरा। सुखदेव जी कहते हैं हृदय की जितनी कामना है बहुत शीघ्र नष्ट होने वाला है, चिंता मत करो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम। भगवान के लिए कभी पैसा नहीं रखना चाहिए। कोई सुनता है कि हम ठाकुर जी के लिए पैसा, ये बिल्कुल गलत काम है। बड़े बड़े महापुरुषों से मैं ऐसा कि
ठाकुर जी के नाम से जो पैसा कहते हैं कि मंदिर चलाना, हमको आरती पूजा करना है, हमको अगरबत्ती समाप्त हो गया है, उसके लिए अगरबत्ती पाप, भगवान को अगरबत्ती की जरूरत नहीं, उसी चीज की जरूरत नहीं। ये अगरबत्ती लेते हैं भगवान खाते हैं तो हम लोगों के लिए, उनको कोई जरूरत नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे। एक बरसाना में महात्मा थे, 56 भोग रखा गया और वही मधुकरी का आधा रोटी रखा गया है। अब भोग लगा तो 56 भोग को किशोरी जी फेंक दिया और जो मधुकरी रोटी थी उसको अपने हाथ में, भक्तमाल की कथा है। तो भगवान अब पैसा मांग मांग करके इधर उधर इकट्ठा करके 56 भोग लगा, प्रेम खाएंगे? प्रेम क्या खाती है? प्रेम मधुकरी रस को ऐसा क्यों किया ऐसे लोग तो ले करके रसगुल्ला को रोटी को ऐसे दबाए तो उसमें से खून निकल जाता और रोटी को ऐसे दबाए तो उसमें से दूध निकल जाता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। हमारा गौर देखिए, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। ये कृपा साध है, कृपा साध केवल कृपा, चहुतोर कृपा की नहीं कछु आशा बल मोर, चहुतोर कृपा की ओर। हे प्रिया जी, हमें कोई बल नहीं है, केवल आपकी कृपा है। आपकी जब तक कृपा नहीं होगी तब तक ये रस प्राप्त नहीं होगी। बस हरे कृष्ण धान को फेंक के ऐसी ताकत किसी को हो नहीं सकती, तो कृपा क्यों? जब तक कृष्ण प्रेम की उत्कंठा हृदय में जगे भी नहीं तब तक ये पैसा लेने की इच्छा नहीं। ये बल है, ये पैसा रखने की इच्छा है, भगवान का सबसे बड़ा अपमान है। भगवत रसिक जी कहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, परमेश्वर प्रतीत नहीं पैसा की प्रतीत, भगवान पर तो कभी विश्वास हुआ नहीं जब पैसा पर विश्वास है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कृपा केवल कृपा से होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अच्छा, बिना पैसा के महात्मा लोग रह सकते हैं कि नहीं? नहीं रह सकते हैं। बड़ा ये बहुत प्रेम से पैसा इतना जोर से छाती पर बैठ गया है कि पैसा के बिना भी जीवित रह जाता है ना बाप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये केवल गलत पाली, जिसके पास पैसा नहीं रहता उसकी जितनी समाज में सेवा होती है पैसा रखने वाला का हो नहीं सकता। पैसा नहीं रखने वालों को इतना सुंदर सुंदर भोजन मिलता है, पैसा रखने वालों को मिल नहीं सकता। पैसा नहीं रखने वालों को समाज में जितनी इज्जत है वो पैसा रखने वालों को हो नहीं सकता। ये हमारे आदर्श हैं पंडित बाबा जी का, जीवन में पैसा छुए नहीं। इनकी जितना पूजा सारे दुनिया में होती है उतना पैसा वालों को कोई नहीं होती। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। लेकिन हम लोग ऐसे लोगों का साथ रहते हैं तो लगता है यार पैसा के बिना कैसे रहे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसा एकदम एक गृहस्थ से मैं कहा कि तुम हर बार छोड़कर चले जाओ, स्त्री के बिना भी रहा जाता मैं तो सुन ही नहीं सकता, स्त्री के बिना हम जी जाएंगे? पैसा भी होता है क्या? जैसे जैसे पास देते पैसा के बिना रहा जाता वैसे ही। धन धन जन का बंधन छोटा, छोटा भोग मोक्ष कारो, धन्य हुई मैं प्रियतम पाकर। प्रियतम तभी मिलेगा जब तक ये सब का बंधन छूटेगा, नहीं अभी नहीं, अभी बहुत दिन नहीं हुआ, अभी अभी भी ब्रज में बहुत ऐसे महात्मा हैं कि सबसे दूर भजन कर रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसीलिए हमारा गौर का सिद्धांत है, न धनम न जनम न सुंदरी कविता जगदीश का मै, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहत की त्वयि। हमको आश्चर्य लगता है महाप्रभु के हम लोग भक्त होकर के कहते हैं कि बिना पैसा के कैसे रहें। महाप्रभु के भक्त जो कि
छह गोस्वामी हैं, जितने भी आज तक भी जितने अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं, अभी भी एकदम स्त्री के बिना कैसे जीवित रहे, वैसे ही है जैसे पैसा के बिना कैसे जीवित रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। माँ क्रंथ क्रंथ कांताधर धरणी तलम गच्छ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। त्याग वैराग्य सिखाने के लिए ही राधा रानी का अवतार हुआ है, किशोरी जी का अवतार हुआ है, केवल त्याग दिखाने। कितना बड़ा त्याग ब्रजभूमि में, भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, भले कोई दूसरा कहे, मैं देखा हूँ संन्यस्त सर्व विषयांश तलपाद, समस्त विषयों को त्यागने वाला केवल ब्रजभूमि है। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जितने महाप्रभु के भक्त हैं सब वैसे ही। चैतन्य महाप्रभु आदर्श में छह नमूना भेजे थे, खटगोस्वान ग्रंथ है ना, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कैसा है साधारण नहीं, बड़ी भावी। रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है जानते ही, ऐसे व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। ये जब तक अभ्यास नहीं होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। विष्णु प्रिया आई, विष्णु 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 प्रिया अपना खड़ा मुंह छोड़कर के महाप्रभु पीछे, ये धर्म कितना बड़ा मर्यादा महाप्रभु। हरे कृष्ण 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 ना, हम नहीं देंगे, हमारे जब संन्यास लेने मैं नहीं जाऊँगा। विष्णु प्रिया की त्याग देखिए, सची माता का त्याग, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तीन आदमी नहीं जीवित रहेंगे, जब चैतन्य महाप्रभु कहे कि मैं संन्यास लूंगा, सची माता कहे कि हम जीवित नहीं रहेंगे, विष्णु प्रिया नहीं जीवित, लेकिन एकदम जीवित रहकर कितना बड़ा त्याग की शिक्षा देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गौर हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।